मेरे वास करो। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपहो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद चकर चहन अर भरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख एक को कह न सकत के अचल मूरत यान पहो प्रकाश आम तोज कहज ओट इंद्र इंद्राण साहे सहाण गणज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बान तृण कहत तब सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत तब सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत प्रभ दातो दा तार पर्यो जाचक एक सरना मिले दान संतरेन जहे लग पह जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावै देहो दर समान चाओ भगत एह मन ठहराव बले ओ चराग अंद हर मह सब कल उधरी एक नाम धरम प्रगट सगल हर पवन मह जान नानक गुर पार ब्रह्म प्रगट सगल हर पवन मह जान नानक गुर पार ब्रह्म हम अव गुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ विख विख माया मोह परम पै पूले सुत दारा स्यों एको तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरनाई सुकहो टल गुर सेविया
अहनस सहज सोपाए। दर्शन परस गुरु जन्म मरण दुख जाय। सिफत खसम्मदि नूर अर सोह कुर सोह चटिया। डठे सच्चे शाह माल जन्म जन्म दी कटिया। जन सच्चा पात शाहो साहो। जिस पास बैठया सोहिया सबना बेसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सोरठ महला पंजवा। गुर पूरा चरनी लाया हर संग सहाय पाया। जह जाइए तहां सोहले कर कृपा प्रभु मिले। गुर पूरा चरनी लाया हर संग सहाय पाया। जह जाइए तहां सोहले कर कृपा प्रभु मिले। हर गुण गावहु सदा सोपाए। मन चिंदे सगले फल पावहु जे कै संग सहाय रहाओ। नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा। पातत पुनीत कर लिने कर कृपा हर जस दीने। पार ब्रह्म करे प्रतपाला साध जीव संग रखवाला। हर दिन रैन कीर्तन गाइए बहुड़ ना जोने पाइए। जिस देव पुरख विदाता हर रास्ते नहीं जाता। जम कंकर नेड़ ना आया सुख नानक सरनी पाया। जिस देव पुरख विदाता हर रस ते नहीं जाता। जम कंकर
नेड़ ना आया, सुख नानक शरण पाया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तुम सुल्तान कहा हो मियां, तेरी कवन बढ़ाई, जो तू देहे सो कहा स्वामी। मैं मूरख कहन ना जाई, तेरे गुण गावा देहे बुझाई, जैसे सच में रहो रजाई। असमात जैसे पतत जीवां दे उधार करता, मेहरबान जगत साई, भगत बछल अनाथ नाथ जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पवित्र पावन हजूरी च नौवें गुरदेव रिद्धियां सिद्धियां बरकतां दे दाते, वैराग त्याग अनुराग दी महान मूरत जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे पवित्र पावन चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी दे पावन पवित्र सचखंड दरबार अंदर हाजरियां भर रही गुरु की साजी और निवाजी हुई गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, सतगुरां दी दया कृपा सदका अमृत वेले दे सजे हुए दवाना च हाजरियां भर के रबी बाणी श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन आप जी ने सरवण कीते हन। कालयुग मैं कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिया लाए ध्याना। कीर्तन तो परंत गुरदेव दी पावन गुरबाणी दी कथा सरवण करन लई गुरु पातशाह दे पवित्र चरणा विच आप जी तत्पर हो के सावधान हो के जुड़ बैठे। आओ मन बिरतियां एकाग्र करिए, गुरबाणी दी पवित्र विचार नाल जुड़िए। सतगुरां दी बाणी दी विचार निरंकार दी विचार है। तो निरंकार दी विचार दी लड़ी विच अपनी सुरत नूं परोणा, एकाग्रता बनाउण नमित समूह माई भाई आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सोरठ महला पंजवा गुर पूरा चरने लाया। राग सोरठ है और पंजवे पातशाह जगत गुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी का उच्चारण किया होया पावन पवित्र श्री मुखवाक शब्द है। गुरपूरा चरनी लाया, पंचम पातशाह फरमान करते हैं कि पूरे गुरु ने सानू अपने चरनी ला लिया, अपने चरणा का आसरा बख्श दिता। पूरे गुरु ने, पूरा गुरु कौन है जिसने पंजां ते जित प्राप्त कर ली। जिन मिल मारे पंच सूर बीर, काम क्रोध लोभ मोह हंकार जिस दे वस विच हन ओ पूरा। गुरु ईश्वर परमेश्वर रूप है, इहदे विच कोई दो राय नहीं।
जीव विच ते ईश्वर विच जिहड़ा भेद है कि जीव माया परतंत्र है और ईश्वर माया तो स्वतंत्र है। मोटे लफजां च कह लिए कि जीव माया दे अधीन है और ईश्वर माया उस दे अधीन है। काम क्रोध लोभ मोह हंकार माया दा ही अंग हन। माया अनक रूप होके संसार विच वर्तदी है। माया दे कई प्रकार दे स्वरूप ने, कदे काम बन के, कदे क्रोध बन के, कदे लोभ बन के, कदे मोह हंकार बन के, कदे द्वेष बन के, कदे निंदा चुगली बन के। ये जीवां नूं मोहदी है, जीवां ते अपना प्रभाव पाउंदी है। ये माया ईश्वर दी अपनी माया, इस करके वो इस माया नूं अपने अधीन करके रखदा है। तो गुरु ईश्वर का स्वरूप ने, परमेश्वर का स्वरूप ने, इस करके उन्होंने पूरा गुरु कहा जाता, क्योंकि पांच विकार उन्होंने नहीं पाते। पौना तो एक पासे रहा, कदे इन्हों का फुरना तक भी तिना दे हिरदे विच नहीं आता। ऐसे पूरे गुरु इस कली काल दे समय विच जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हन, ते जिन्हां नूं सतगुरां ने तरस करके अपने चरनी ला लिया, जिहड़े गुरबाणी नाल जुड़ गए ने, गुर शब्द नाल जुड़ गए ने। हाँ जी, हर संग सहाय पाया, उन्हां ने पा लिया उस वाहिगुरु परमेश्वर नूं, और ये जान लिया कि वह हरी अकाल पुरख परमेश्वर हमेशा साडा संगी है और साडी सहायता करने वाला, साडा मददगार है। पूरे गुरु ने जिन्हां नूं अपने चरणी ला लिया, उन्हां दी ये अवस्था बन गई कि उन्होंने जान लिया कि हरी परमेश्वर साडे नाल है और साडी मदद करने वाला, साडा सहायक है, साड़ी मदद कर रहा, हर वेले हर जगह ते हर थां ते साड़ी सहायता करता है। हर जगह रखा एक हमारा स्वामी, 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 रखा एक हमारा स्वामी। ओ निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर साडा राखा है। उन्हां ने जाणिया जिन्हां नूं गुरु ने अपने चरणी ला लिया, उन्हां ने जाण लिया कि हरि अकाल पुरख परमेश्वर साडा संगी है और साडी सहायता करन वाला है। जह जाइए तहां सोहेले, हुण असीं जिथे जांदे हां उत्थे ही सुखी, उत्थे ही सुखी। पहलां सुख लभदे फिरदे सी, हुण जिथे रहिए जिथे जाइए उत्थे ही सुख है, क्योंकि सुख दाते दा अनुभव हो गया कि सुख दाता नाल है। हुण जिथे जाइए
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਹੇਲੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਹੇਲੇ ਹਾਂ, ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਦੈਵ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਪਦੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਖੋਪਰ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਤਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਦੈਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਦਾ ਸੋ ਭਾਈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਔਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾਈਏ। ਸੋ ਭਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਾਈਏ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਹੂਣੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਕਿਸ ਮਾਇਨੇ ਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਿਸ ਮਾਇਨੇ ਦਾ, ਪੜੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਮਾਇਨੇ ਦੀ? ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਭਾਈ, ਪਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਪਾਓਗੇ। ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀਵ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੰਗ ਹੈ ਔਰ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹਾਉ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ। ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਆਸਰਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਵਾਯੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਇੱਕੋ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ, ਪੱਤੇ, ਫੁੱਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਜਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਰਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਸਾਡੀ ਨਾਸਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਸਾਡੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਪਾਨ, ਸਮਾਨ, ਬਿਆਨ, ਉਦਿਆਨ, ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।
योग शास्त्र दे मुताबक पांच उपप्राण भी ने तनंजय कुरुकुल जो उबासी लेने उदे विच भी जिहड़ी एक हवा कम करदी है वह वक्खरी है हिचकी आउंदी है डकार आउंदा उदे विच एक वक्खरी प्राण वायु कम करदी है। तो इस प्रकार नाल ओ पांच होर भी मनदे कुरुकुल तनंजय देवदत्त एदा पांच प्राण ओ भी मनदे है। पर मोटी जी गल यह है भी इन्हां प्राणा का आधार परमेश्वर है उहदी चेतनता करके प्राण चलते हैं। इस करके कहिंदे नारायण प्राण आधार ओ नारायण साडे प्राणा का आधार है आसरा है। हम संत जना रे नारा असी संत जना दे चरणा दी रेण हां तूड़ी हां। हम संत जना रे नारा असी संत जना दे चरणा दी तूड़ हां। पातत पुनीत कर लेने वाहिगुरु ने पततां नूं पुनीत कर लिया। पातत पुनीत कर लेने असी पतत जीव हां सानू पततां नूं वाहिगुरु ने पुनीत कर दिता है पावन कर दिता है। हां जी कर किरपा हर जस दीने वाहिगुरु ने साडे ते किरपा कीती है सानू अपना जस दे दिता है किरपा करके अपना जस बख्शिया हरी जस प्रदान कीता है। पार ब्रह्म करे प्रतपाला पार ब्रह्म वाहिगुरु परमेश्वर संसार दे समस्त जीवां दी पालना करता पालनहार है। दीनन की प्रतपाल करे नित संत उभार गनी मनगार है प्रति एक जीव दी पालना करता हर एक जीव नू पालदा है। सादा जीव संग रखवाला और सदा संसार दे जीयां दे नाल है और उन्हां दी रखिया करदा नाल होण दा मतलब हुंदा रखिया करदा। इदां तां बहुत लोक ने जिहड़े तुहाडे नाल खड़े हुंदे ने पर तुहाडा कोई उन्हां दे नाल खड़े होण दा तुहानूं तां कोई लाभ नहीं है। जिहड़ा रखिया करे ओ नाल है ओ संगी है इस लोक विच भी ते परलोक विच भी। हर दिन रैन कीर्तन गाईए दिन रात अठे पैर निरंतर उस वाहिगुरु दा कीर्तन गाईए दिन रात हर वेले हर समय निरंकार परमेश्वर दा कीर्तन गायन करिए। भाई हीरा सिंह जी वर्गे भाई शाम सिंह जी वर्गे गुरु घर दे महान कीर्तनी है जिन्हें अपनी सारी जिंदगी पंजा पंजा सठ सठ साल एक भी दिन नागा नहीं गुरु रामदास जी दे दरबार विच कीर्तन दी हाजरी दा एक दिन दा भी नागा नहीं। एहो जे बाबा शाम सिंह जी अज भी दरबार साहब कड़ा प्रसाद की देग उन्हां दे बूंगे तो पहली देग उन्हां दे बूंगे तो आउंदी है बाबा शाम सिंह जी होर किसे भी कोई भी बाहरों कड़ा प्रसाद की देग लियावे प्रवान नहीं हुंदी पर बाबा शाम सिंह जी दे बूंगे तो देग आउंदी है ते वह दरबार साहब प्रवान हुंदी है। एहो एहो जे गुरु घर दे महान कीर्तनी है जिन्हां निरंकार परमेश्वर की कीर्ति नूं अठे पैर ही अपने हिरदे च वसाया दिन रात ही कीर्तन गाईए। बाबा आत्मा सिंह जी जैसे महापुरश पंजोखरा साहब दे रहण वाले भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी जैसियां गुरमुख रूहां जिन्हां कीर्तन नूं अपने जीवन का आधार बनाया छत्ती छत्ती घंटे चाली चाली घंटे अड़ताली अड़ताली घंटे लगातार एक रस कीर्तन करन वालियां रूहां सन। नाल जोड़ियां वाले बदलते रहिंदे ते हरमोनीयम ते बैठे अड़ताली अड़ताली घंटे छत्ती छत्ती घंटे
हे प्रभु असी रात दिन तुहाडा कीर्तन गाईए, हर दिन रैन कीर्तन गाईए। ये संसार विच निरंकार दे कीर्तन दे तुल कोई दात नहीं है, कीर्तन निर्मोलक हीरा। गुरबाणी दा कीर्तन, गुर शब्द दा कीर्तन, ये निर्मोलक हीरा है। हाँ जी, बहुड़ ना जोने पाई, बहुड़ मुड़ के वो जीव जूनिया च नहीं पाया जाता जेड़ा कीर्तन करता। कीर्तन एक तो कीर्तनिए करते ने, तुसी जेड़ा जपजी साहब का पाठ कर दे सवेरे उठ के, जाप साहब पढ़ दे, ये भी कीर्तन है। गुरबाणी तो सारी कीर्तन रूप ही है ना, परमेश्वर की उपमा विच जो कहा गया कीर्ति विच कहा गया कीर्तन है। जेड़ा कीर्तन करदा है गुरबाणी नू पढ़ के, जां गुरबाणी नू गायन करके, गुरबाणी नू व्याख्यान करके, पातशाह कहिंदे उह मुड़ के जूनियां च नहीं आउंदा। इह गुरबाणी उहनू उत्थे ही लै जांदी है जिथों आई है। हुमा पंछी दे खंभ, भाई साहब भाई नंद लाल जी बैठे, गुरसिख बैठे ने कलगीधर दे दरबार च, नारद ने आके भेट कीते, मत्था टेक के चला गया। गुरदेव ने आख्या एक खंभ कानी नू लाओ तीरां नू। जदों तीरां दियां कानियां नू खंभ लाए, गुरदेव कहिंदे असीं आकाश नू चलावांगे, तुसीं लभ के लियायो। तीर छड्डे ते उह तीर थले ही नहीं आए। सिंह लभदे आ गए, महाराज तीर पता नहीं किधर गए। पातशाह कहिंदे उह तां उत्थे गए जिथों खंभ आए सी। हुमायूं पंछी एक ऐसा पंछी आकाश च ही रहिंदा, वह धरती ते नहीं आउंदा। बच्चे भी आंडे भी आकाश विच ही दिंदा, जिथे गुरुता शक्ति धरती दी खत्म हो जांदी है। जिथों धरती की ग्रैविटी खत्म हो जाती उत्थे उड़दा है, उत्थे रहिंदा है। वो खंभ उन्हां तीरां नूं उत्थे ही लै गए ने। गुरसिखो ये गुरबाणी सचखंड तो आई है, तुरदरगाह चो आई है। जेडे इस गुरबाणी नाल जुड़नगे गुरबाणी उत्थे ही लै जाएगी जिथों आई है। वो जन्म मरण च नहीं आउणगे, उन्हां नूं आवागौण दे चक्करां च नहीं आउणा पवेगा। महाराज जी कहिंदे तुहानूं दृष्टांत विखाया सी, प्रमाण विखाया। तो जेड़े गुरबाणी नाल जुड़े ने, बहुड़ ना जोनी पाई है, वो मुड़ के जूनिया च नहीं पाए जांदे। जेड़े रोज जपजी साहब पढ़ते ने, जेड़े रोज जाप साहब पढ़ते ने, जेड़े रोज सवैये गायन करते ने, रोज पढ़ते ने हमरी करो हाथ दा रच्छा, रोज कहिंदे आनंद भया मेरी माए, उन्हां नूं कदे जूनिया च नहीं आना पैंदा। वो कदे जूनिया च नहीं आउणगे। हां जी, जिस देव पुरख विदाता, जिस नूं वो पुरख विदाता अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर अमोलक दात देवे, हर रस तिन ही जाता, हरी दे रस नूं तिना नहीं जाने। जिस नूं देवे, जिस नूं देवे दया कर, जिस नूं वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर दात देवे, उसे नूं हरी दे नाम रस दी जानकारी प्राप्त हुंदी है। जम कंकर नेड़ ना आया, जिन्हां ने हरी रस नूं जान लिया माण लिया, पातशाह कहिंदे जम कंकर उन्हां दे नेड़े नहीं आउंदे। जम कंकर नेड़ ना आया, जम कंकर धर्मराजे दे दूत, कंकर नाम हुंदा सेवक दा, जम नाम धर्मराजे दा, धर्मराजे दे सेवक यानी कि जमदूत, उना दे नेड़े नहीं आउंदे। सुख नानक सरने पाया, धन गुरु अर्जन देव साहब जी फरमाउंदे ने असीं हरी दी शरण च पै के सुख पा लिया, हरी दी शरण च पै के सानू सारे सुख प्राप्त हो गए ने। जम कंकर नेड़ ना आया, जम कंकर नेड़ ना आया, जम
कं करनेड़ ना आया जम कंकर नेड़ ना आया सुख नानक शरणी पाया सुख नानक शरणी पाया सुख नानक शरणी पाया सुख नानक शरणी पाया हरि दी शरण च पै के असी सुख प्राप्त कर लिया। लड़ी वार कथा 752 अंग ते गुरु साहब की कृपा नाल पहुंची है। धन गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी के पवित्र अमृत बचन हन। सरवण करन तों पहला गुरु चरणा विच हाजरी लवाउंदे आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोहे महला पहला ज्यो आरन लोहा पाए पन्न कढ़ाइया राग सूही है। पहले पातशाह जगत गुरु गुरु नानक साहब जी का उच्चारण किया होया पवित्र अमृत बचन है। गुरदेव एक उदाहरण दे रहे हैं जिमें एक लोहार की भट्ठी विच लोहा तपा के उहदी कई तरह की घाड़त कड़ी जाती है। उहदे भांडे बनाए जाते हैं, उहदे कई रूप बनाए जाते हैं। जिमें आरण लोहा आरण भट्ठी च पा के लोहा ਉਹਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੰਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਦਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਣ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਿਉਂ ਸਾਕਤ ਜੋਨੇ ਪਾਏ ਭਵੈ ਭਵਾਈਐ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪੱਠੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਸਾਕਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਰਭ ਦੀ ਅਗਨੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਚ ਪਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਜੂ ਜੈਸੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਸੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕੂਕਰ ਸੂਕਰ ਇਹ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਹਨ। ਸਾਕਤ ਦੁਰਜਨ ਮਨਮੁਖ ਭੱਦੇ ਲੋਕ, ਮਨਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਾੜਿਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਬੁਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਕਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਾਕਸ਼ ਅਤੇ ਦਾਨਵਾਂ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਕਤ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭਵੈ ਭਵਾਈਆ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਕਈ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕਮਾਵਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਦੁੱਖ, ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਝਿਆਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਮਾਵਣਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕਰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਆਵੈ ਜਾਏ
परम पुलावना। हौमै विच भटकदा होया मनुख आउंदा ते जांदा, आउंदा ते जांदा। हौमै आवै जाए, हौमै ही जीव नूं लियाउंदी है, जन्म दे विच मारदी भी हौमै ही है। परम भुलावना, परम करके जीव नूं अपना स्वरूप भुलिया होया मैं की हां। ਇਹ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰਮ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਗੌਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮਿਲ ਹੈ ਤੁਜ ਹੈ ਰਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਐ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਹੈ ਆਪ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਈਐ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਬਈ ਆ ਫਲਾਣੀ ਵੇਖੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੀ ਧਿਆਨ ਦੇਈ, ਆਹ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖੀ, ਵੇਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਪਾਈਆ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਦੇਖੈ ਹੈ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਦਰ ਬਿਨਾਈਐ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਫਿਰ ਉਥਾਪਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈਆ, ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਬੀ ਨਾਈਐ, ਦਰਬੀ ਨਾਈਐ। ਦਰਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੜਛੀ ਨੂੰ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ, ਤੇ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਕੜਛੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਕੜਛੀ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ। ਦਰਬੀ ਨਾਈ ਹੈ, ਬਣਾ ਕੇ ਉਥਾਪ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਦੇਹੀ ਹੋਵਗ ਖਾਕ ਪਵਨ ਉਡਾਈਐ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਹੀ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਤਾਰਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਉਹ ਆਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਤਾਰਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਤਾਰਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ।
पांच सूखम तत् ने पांच, फिर उन्हां पंजां दे ज्ञान इंद्रिय ने, ज्ञान इंद्रियां दे फिर पंज उन्हां दे अधिदेव ने, पंद्रह हो गए ते सोलवां मन ते सतारवां बुद्धि। वो सतारा तत्तां दी है। पातशाह कहिंदे भी वह भी हवा दे वांगू उड जाने, जदों आ दे बिनसणियां ते उन्हें भी उड जाना, पवन उड़ाई गया हवा वांगू, उस सूखम देह ने भी उड जाना। एहो किथे घर आओ ताक महल ना पाईए। कहिंदे फिर आ जिहड़े घर ने, ते औताक दा मतलब बैठका, जिन्हां नूं आपां अजकल कह दिंदे अंग्रेजी च ड्राइंग रूम। कहिंदे सज्जणा फिर इन्हां विच बैठकां थोड़ी होणियां ने, जदों इह देह बिन सके थोड़ी उन्होंने कहना भी जांदिया जांदिया नूं जिहड़े ड्राइंग रूम विच ने वधिया सोफे लाए ने उहदे ते माड़ा जिहा बिठा के लै चलीए, अंदर भी नहीं वाड़दे। गरीबन बाग साहब जी कहिंदे आ जिहड़े महल माड़ियां ने तैनूं इह नहीं फिर प्राप्त होने, मता तेरे मन च भुलेखा होवे भी वह बैठकां मिलनियां ने, आ सोहणे घर मिलने ने, महल मिलने ने, जदों इह देह बिनस गई खाक विच रल गई फिर आ सब कुछ नसीब नहीं होना। देहो दीवे अंध कोर कब मुहाइया। वेखो दिन चढ़े चिट्टे दिन विच, इहदे है चिट्टा दिन फिर भी अंध कोर विच, कोर हनेरे विच है, चिट्टे दिन विच भी घोर हनेरे विच। आखो सतनाम से वाहिगुरु। देहो दीवी अंध कोर, चिट्टा दिन चढ़िया फिर भी अंधकार है, यानी कि मनुख नू पता भी है, इनू ज्ञान भी है, कर्म माड़ा है, चानना है अंदर, पर फिर भी उना विच परविरता। हाथ दीप कुए परे वाली खेड है ना, हाथ च दीवा फड़ के खूह च डिग रहा। एहो जे जेड़े लोग ने पातशाह कहिंदे कब मुहाई, इत्थे कब दा अर्थ है घर, उन्हां दा घर लुटाया जा रहा है, अपना घर लुटा रहा है, क्योंकि पता ही नहीं अंधकारे दे अंदर पिया होया, और उस अंधकार दे विच गफलत विच सुत्ता पिया, कारे दा लुटिया जा रहा है, कदे काम लै जांदा लुट के, कदे क्रोध लै जांदा, कदे मोह कदे हंकार। हां जी, गर्भ मुसै घर चोर किस रुआई। हंकार जेड़ा वो चोर बन के दे अंदर वो सारा कुछ ही खोई जांदा, मुसै खोई जांदा लई जांदा, ते जदों आप इनू पता भी चानना भी है फिर भी वो हंकार जेड़ा अंदर वो लई जांदा सारा कुछ चोरी करके, ते फिर हुण किहदे अगे रोईए, किस रुआई है, किस अगे जाके रोना धोना करिए। हां जी, गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाइए। कहिंदे जिहड़े गुरमुख ने उन्हां नूं नहीं चोर व्यापदे, उन्हां दे घरे नहीं चोर आउंदे। पुछिया जी क्यों नहीं आउंदे, कहिंदे उह जागदे ने, जागदिआं दे घर किवें चोर आवेगा, जिहड़े चुकन्ने होके बैठे हथ च बंदूक लैके बैठे किवें आउणगे चोर। जिहदे घर चो आवाज आ रही होई हो आ रही होवे भी जागदे रहो, किवें चोर, उत्थे दे आंढी गुआंढियां दे घरां भी चोर भी नहीं पैंदे भी फलाने घर च जागदा। पातशाह कहिंदे जिहड़े गुरमुख ने उहनां नूं चोर नहीं लगदे, उहनां दे हिरदे रूपी घर च चोर नहीं आउंदे। क्यों नहीं आउंदे, क्योंकि हर नाम जगाई आ, हरी दे नाम नाल उह जागदे ने, उन्हां अपने आप नूं जगाया होया हरी दे नाम द्वारा, उन्हां दे हिरदे विच गुरमंत्र दी धुनी दी जाग लगी रहिंदी है, जिवें कोई पहरेदार नहीं गली च पहरा दिंदा हुंदा जागदे रहो, उन्हां अंदर गुर शब्द दी उह धुन हुंदी है, जिस करके विकार चोर जेड़े ने उन्हां दे हिरदे रूपी घर विच नहीं आउंदे। शब्द निवारी आग जोत दिपाई है। सतगुरां दे शब्द ने उन्हां दे अंदरों तृष्णा दी अग नूं निवार दिता, दूर कर दिता है,
और सतगुरु जी दे शब्द दी नाम दी जोत उना दे हिरदे विच जग पई है। लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाइए। लाल रतन परमेश्वर दा नाम जेड़ा है वो लाल है, कीमती रतन है। गुरु पातशाह ने साड़ी सुरत विच उसनु बुझा दिता है, जड़ा दिता है। सदा रह निह काम जे गुर मत पाईए। जिन्हां ने गुरु दी मत पा ली है वह सदा निष्काम होके रहिंदे है, उन्हां नु कोई कामना नहीं रह जांदी, कोई वासना नहीं रह जांदी। रात देह हर नाव मन वसाईए। जेड़े रात दिन उस हरी अकाल पुरख परमेश्वर दा नाम जपदे हन, रात दिन नठे पैर निरंतर उस वाहिगुरु परमेश्वर दे नाम नू अपने मन विच वसाउंदे हन। नानक मेल मिलाए जे तुद पाईए। धन श्री गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे, हे प्रभु जे तेनू पावे ते तुसी इस जीव नू अपने नाल मेल मिला लैंदे हो, तुहानू पावे ते मिला लैंदे हो। महाराज कृपा करो बहुत जन्मां तों विछड़ियां नू इस जन्म विच अपने लेखे ला लो। ए बेनती करदिया होया पातशाह शब्द की समाप्ति करते हैं।